अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारे प्रिंस भाई ने और फरदीन भाई ने ऐसा जानवर दिलवा दिया कि हम हमेशा याद रखेंगे इंशाल्लाह। ये कासमी चांदना कबूतर है, कासमी चांदना कबूतर है और ये इसके गले पर हार देखिए आप, ये देखें शानदार। बस यही है, इसके अलावा और कोई कबूतर नहीं। सारे कबूतर कैसे लग रहे हैं तुम्हें? अरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगे हैं, दिल खुश हो गया। अच्छा वाकई में। हाँ, इसमें हैदराबादी चांदने और कासनी और मक्सी हैं टोटल। टोटल सारे कबूतर। हाँ सो सारे कबूतर ये हैं, सारे पोतर चांदने भी कबूतर है, इसमें मक्सी भी कबूतर हैं, और इसमें ऊदे कबूतर हैं, और इसमें ऊदे परदेस कबूतर हैं। अच्छा कौन कौन से कबूतर हैं भाई? इसमें हैदराबादी चांदने और कासनी और मक्सी हैं टोटल। टोटल सारे कबूतर। हाँ बस यही है, इसके अलावा और कोई कबूतर नहीं। सारे कबूतर कैसे लग रहे हैं तुम्हें? अरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगे हैं, दिल खुश हो गया। अच्छा वाकई में। हाँ भाई कबूतर बहुत शानदार है दोस्तों। हाँ ये कबूतर हमने 500 रुपये पर से खरीदे हैं। ये कबूतर हमारे लिए बहुत सही हैं, उड़ते हुए लड़ते हुए कबूतर हैं। इनके भाई का ब्लॉग के जरिए हमने कबूतर खरीदे हैं। हाँ अच्छा इस वीडियो पे कम से कम कितने आने चाहिए? इस वीडियो में कम से आने चाहिए 5000 व्यूज। 5000 भाई कहना, 5000 व्यूज आने चाहिए दोस्तों। तो कबूतरों को ले आकर क्या करोगे तुम? हम इनको जाल में लगाएंगे, जाल में लगा के 2-4-5 दिन में, 5 दिन में घुमाने लगोगे? हाँ 5 दिन में इनको खोल लेंगे। अच्छा कौन सी तालीम से जुड़े हुए हो तुम? भोला से जुड़े हुए हैं उस्ताद, भोला से। हाँ और उमेर भाई? भाई न्यूडल आदमी है, कोई तालीम से कोई नहीं। तालीम नहीं, खुद की तालीम है। हाँ हमारे बड़े अब्बू हैं, बस जो है करता धरता। अच्छा वही है करता धरता, कोई तालीम नहीं है। तो तकरीबन 5 दिन में शेड कर लोगे कबूतर? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा लड़ने लगेंगे हमारे यहाँ। तो दोस्तों फाइनली कबूतर आप भाई को दे दिए हैं, और भाई अब यहाँ से रवानगी करेंगे। यहाँ पर अभी मौसम भी बहुत बेकार चल रहा है क्योंकि बारिश हो रही है धीमी धीमी। तो भाई को जान इसका शौक कीजिए, कौन सा कबूतर है ये? कासनी कबूतर है। देखिए कासमी, कासमी चिट्टा कासमी कबूतर है। इसका शौक कीजिए, कितना शानदार कबूतर है, देखिए कितना खूबसूरत। इसकी अदे भी बहुत प्यारी है। और एक एक कबूतर भाई ने पसंद से दिया है। ये देखो, ये देखो कासमी चांदना कबूतर है, कासमी चांदना कबूतर है। और ये इसके गले पर हार देखिए आप, ये देखो इतना शानदार बना हुआ है। बहुत खूबसूरत कबूतर है माशाल्लाह, मजा आ गया। बहुत खूब यार, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारे प्रिंस भाई ने और फरदीन भाई ने ऐसा जानवर दिलवा दिया हम हमेशा याद रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई गर्मी जो पड़ रही है इतनी गर्मी, उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं कबूतरों के लिए? कुछ किसी को मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? गर्मी में बस क्या है, परिंदों का ख्याल रखना चाहिए, अपने परिंदों के साथ साथ बाहर वालों का छत पे दाना पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है। आप जब शौक कर रहे हैं तो सब चीज का ख्याल लेके चले, और भी परिंदे हैं बेचारे। तो दोस्तों सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि आप अपनी छत पर दाना पानी रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ख़तरनाक पड़ रही है। आदमी का भी बुरा हाल है, अगर आदमी धूप में ज़रा निकल जाता है तो हाल ग्लूकोज की कमी हो जाती है उसे। तो भाई परिंदों का भी ख्याल रखो, क्योंकि ये भी हमारी ही जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है। अगर इनका हम ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारा और बेहतर तरीके से ख्याल रखेगा दोस्तों सबसे ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई ने जैसे कहा कि 5000 व्यूज़ तो इसमें चाहिए कम से कम, तो आप लोग कोशिश करें फुल मेहनत के साथ, फुल मेहनत के साथ। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगी, बहुत शानदार शानदार वीडियो हमसे जुड़े रहेंगे, तो आपको शौक भी कराएंगे और कबूतरबाजी के नुस्खे सिखाएंगे, और कबूतरबाजी का तुम्हें कबूतरबाजी करना सिखाएंगे दोस्तों। और 2-4 दिन बाद कुछ वीडियो चैनल बनाएंगे हम, जिसमें कबूतरों की बीमारी का इलाज बताएंगे, जैसे कि दाने फुंसी और गर्दन तोड़ लकवा बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।